तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। WHO की तरफ से जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी के WHO ने एक बड़ा और हैरान कर देने वाला दावा किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1,70,000 लोगों की जान गई है और ये वो मामले हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। अब माना जा रहा है कि असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि बीते कुछ हफ्तों में कोरोना की वजह से दुनिया भर में कई लाख लोगों की जान जा चुकी है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में WHO के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी ने दावा किया है कि इंसानों और जानवरों के बीच से कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। WHO के हेल्थ कमेटी का कहना है कि कोशिश होगी कि हम कोरोना के गंभीर इफेक्ट को कम करने में कामयाबी हासिल कर सकें, संक्रमण से होने वाली जो मौतें हैं उनको कंट्रोल कर सकें, लोगों को संक्रमण से बचाने की कोशिश करें, लेकिन कोरोना खत्म नहीं होगा, ये ग्लोबल इमरजेंसी की तरह बनी रहेगी। यानी कि कोरोना को लेकर हालात दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कई दिनों के बाद ये एक बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव के एक नए बयान को लेकर जो कि बड़ा ही विवादित भरा है। जानकारी के मुताबिक योग गुरु स्वामी रामदेव ने बीते गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया है। रामदेव ने कहा है मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहता है बस 5 नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। साथ ही बाबा रामदेव ने ईसाई धर्म के बारे में कहा कि चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं, ईसाई समाज यही सिखाता है लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। दोस्तों जाहिर सी बात है बाबा रामदेव का ये बयान बड़ा ही विवादित भरा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी धर्म में इस तरह की बातें नहीं सिखाई जाती हैं जिस तरह की बातों का जिक्र बाबा रामदेव ने किया है। बाकी बाबा रामदेव के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब लिखना ना भूलें, आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों ऐसी ही एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक RSS के सरकारेवाह दत्तात्रेय होस बोले ने बीते गुरुवार को घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम दीनदयाल स्मृति में व्याख्यान में कहा भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उन सभी का DNA एक है। साथ ही वो आगे कहते हैं किसी ने मजबूरी में गौ का मांस क्यों न खाया हो, किसी कारण से वो चले गए हो तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते, आज भी उनकी घर वापसी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो RSS के दत्तात्रेय ने देश के सभी लोगों को हिंदू बताया है और साथ ही में ये भी कहा है तो चाहे उन्होंने गाय का मांस खा लिया हो या कैसे भी गलती कर ली हो, हालांकि है वो हिंदू, इसी की वजह से हिंदू धर्म में आने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं उन सभी लोगों के लिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PF का पैसा निकालने को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रोविडेंट फंड यानी PF से निकासी को लेकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर निकासी के दौरान यानी के पैसा निकालने के दौरान 30% की जगह 20% का TDS लगेगा। बताया गया ये नया नियम आने वाले 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 20 साल की अविवाहित लड़की को लेकर, जिसके बारे में देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की एक अविवाहित यानी के बिना शादीशुदा लड़की का एम्स में डिलीवरी कराने का आदेश दिया है। दोस्तों आपको बता दें 29 सप्ताह के गर्भ को टर्मिनेट कराने के लिए एक 20 साल की अविवाहित महिला ने यानी के बिना शादीशुदा लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश अति विशेष परिस्थितियों में दिया जा रहा है, क्योंकि लड़की अपनी प्रेगनेंसी के काफी बाद के स्टेज में आई थी। ऐसे में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश जारी किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इसरो की रिपोर्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक इसरो की नेशनल सेसिंग रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल के अंदर भारत ने नाइट टाइम लाइट्स में 43% का इजाफा किया है। बताया गया इसका श्रेय मोदी सरकार के सौभाग्य और उज्ज्वला योजना जैसी कुछ योजनाओं को दिया जा रहा है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में यानी कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने नाइट टाइम लाइट्स में 43% की बढ़ोतरी की है और ये पता चला है सैटेलाइट की तस्वीरों से। यानी कि अभी से 10 साल पहले जब रात के समय में भारत को देखा जाता था तो अभी के मुकाबले काफी ज्यादा अंधेरा होता था, लेकिन अभी इस समय रात में जो लाइट की संख्या है वो लगभग 43% बढ़ गई है और अपना देश भारत अब नाइट के समय में पहले से काफी ज्यादा जगमगाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेनदेन की
जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर RBI ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि RBI के अफसरों ने नाम न बताने की शर्त पर ये जानकारी दी है। वहीं शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से भयंकर महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय महंगाई दर 27.6% है। बताया गया ये 1975 के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि सन 1975 के आसपास भी पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हाल हो गया था जैसा कि अभी है महंगाई के मामले में। जानकारी के मुताबिक 1975 में पाकिस्तान की महंगाई दर 27.77% हो गई थी। साथ ही अभी हाल ही में 31 जनवरी को IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंची थी। ये टीम 6 अरब डॉलर के लोन की अगली किस्त 1.2 अरब डॉलर जारी करने के शर्तों पे बातचीत कर रही है। बताया गया IMF ने बेहद ही सख्त शर्तें रखी हैं। इतना ही नहीं, उसने इन तमाम शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को 60% तक महंगा कर दे। साथ ही में टैक्स कलेक्शन को 2 गुना करने के लिए कहा गया है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि 9 फरवरी को जब IMF और शहबाज सरकार की बातचीत खत्म होगी और अगर वहाँ की सरकार ये शर्तें मान लेती है तो महंगाई करीब करीब अभी के मुकाबले भी 2 गुनी हो जाएगी। और अभी भी महंगाई पाकिस्तान में पहले से कई गुना ज्यादा है। जाहिर बात है पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो कर्ज दिया गया है इसकी वसूली जल्द से जल्द हो जाए, इसी की वजह से IMF ने ये शर्तें रखी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन में हुए एक बड़े प्रदर्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में अभी हाल ही में बीते बुधवार को लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसे ब्रिटेन का पिछले एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स, सिविल सर्वेंट और ट्रेन ड्राइवर्स रहे हैं जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पे चले गए हैं। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BBC द्वारा PM मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पे लगे बैन को हटाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डॉक्यूमेंट्री पे रोक लगाए जाने के खिलाफ महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एडवोकेट ML शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाने का सरकार का फैसला मनमाना है और ये संवैधानिक नहीं है। तो दोस्तों आज ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि BBC द्वारा जो PM मोदी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें 2002 के दंगों को दिखाया गया है और इस पर अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो बैन लगा दिया था, तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट हटाएगा या नहीं हटाएगा। असल में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि इसमें PM मोदी को लेकर कुछ गलत तथ्य दिखाए गए हैं और PM मोदी को गलत साबित करने की कोशिश की गई है, इसी की वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोगों का ये कहना है कि सरकार ने ये काम मनमाने तरीके से किया है। सरकार किसी भी चीज को ऐसे बैन नहीं कर सकती है, इसी की वजह से कई सारे लोग पहुंच गए देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और आज इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी। तो BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी को लेकर। दोस्तों पठान मूवी का थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर रन जारी है। जानकारी के मुताबिक पठान मूवी ने रिलीज के 8वें दिन 17.50 करोड़ रूपए का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 336 करोड़ रूपए हो गया है। वहीं अगर पठान मूवी के सभी कलेक्शन को मिला दिया जाए यानी कि दुनिया भर की कमाई को, तो यह अब हो गया है 669 करोड़ रूपए। बताया गया पठान की निगाहें अब दंगल मूवी के रिकॉर्ड पर है जिसके हिंदी वर्जन ने 374 करोड़ 43 लाख रुपए की कमाई की थी। यानी कि आने वाले दिनों में जल्दी पठान मूवी दंगल मूवी का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है और ऐसा होने की वजह से पठान हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी। वहीं दोस्तों शाहरुख खान को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पठान मूवी के हिट होने के बाद शाहरुख खान के सितारे बुलंदियों पर हैं। अब उनकी अगली फिल्म जिसका नाम जवान है उसके सेट से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लगभग उनका पूरा चेहरा बैंडेज से बंधा हुआ है। शाहरुख खान के फैंस ये तस्वीर देखकर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फैंस का कहना है कि पठान की सफलता के बाद अब शाहरुख खान रुकने वाले नहीं है। फैंस का मानना है कि पठान की तरह जवान मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और जैसा कि मूवी का नाम है जवान, तो ऐसा लगता है इस मूवी की भी कहानी देश के ऊपर आधारित हो सकती है। वहीं दोस्तों बॉलीवुड जगत से एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले यानी कि आमिर खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद सन 2000 में आई फिल्म चैंपियन का रीमेक बनाने का फैसला किया है। बताया गया फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से आमिर ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। अब
जानकारी के मुताबिक वो इन सब के बीच प्रोडक्शन में हाथ आजमाने वाली हैं, यानी कि आमिर खान एक्टिंग के साथ साथ फिल्म बनाने का काम करेंगे। इसी वजह से अब ये ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले फिल्म के लिए वो खुद को नहीं बल्कि किसी और को कास्ट करना चाहते हैं। साथ ही बताया गया है चैंपियन मूवी का जो रीमेक बनना है इसके स्क्रिप्ट पे काम पूरा हो गया है। साथ ही इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि चैंपियन मूवी के रीमेक के लिए आमिर खान सलमान खान को कास्ट करेंगे, यानी कि चैंपियन मूवी में सलमान खान नजर आएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अयोध्या में रहने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस ने बीते गुरुवार को ये जानकारी दी। बताया गया है फोन रामकोट क्षेत्र में रहने वाले मनोज नाम के व्यक्ति को आया है। उसने अपने मोबाइल फोन पर कॉल आने की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले ने बीते गुरुवार सुबह 10 बजे मंदिर परिसर को, यानी कि अयोध्या में जहां पे राम मंदिर बन रहा है, उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जाहिर बात है सूचना मिलने के बाद ही देश के कई जवानों को इसके लिए अलर्ट पे रखा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी के बयान को लेकर बजट पर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है वो यूपी को सबसे ज्यादा फायदा देगा। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा इसमें 25 साल का विजन छिपा हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यह पहला बजट है जो हमें ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाएगा। इस दौरान गडकरी ने फिर 2024 खत्म होने से पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा करने की बात दोहराई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली से देहरादून और चंडीगढ़ जयपुर जाना इतना आसान और सुगम बना देंगे कि लोग फ्लैट लेना ही बंद कर देंगे और सड़कों से जाया करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।